शुरू करते हैं गाइज हमारा मास्क स्प्लिट ट्रांजिशन। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहने वाला है, उसका बस बेसिक और आइडिया मैं आपको आज देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत 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 ही यूजफुल होगा। तो यहाँ पे आप मेरी दो फुटेजेस देख रहे हो स्क्रीन के अंदर, तो जैसे आप देख रहे हो पहली फुटेज ये है एंड अब उसके बाद दूसरी फुटेज मेरी ये होने वाली है शुरुआत। अब जो मेरा ट्रांजिशन का ड्यूरेशन मैं रखने वाला हूँ वो है एक सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर ऑलमोस्ट ये ट्रांजिशन बहुत बेटर तरीके से काम करेगा जो है हमारा स्प्लिट ट्रांजिशन, और उसको स्प्लिट करने के लिए मास्क को यूज करने वाले हैं। तो भाई उसके लिए करना क्या है, जो फर्स्ट वाला फुटेज है उस फुटेज को हम क्या करेंगे भाई, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस के डिवाइड करेंगे दो पार्ट के अंदर। अब इसी का भी मुझे क्या चाहिए, डुप्लीकेट भी चाहिए यहाँ पे। अब क्या करना है, जो यहाँ पे पहला वाला फुटेज है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पेन टूल सिलेक्ट करूंगा। अब थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं यहाँ पे और मैं क्या कर रहा हूँ, मास्क यहाँ से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा मास्क यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमने मास्क जनरेट किया और एम प्रेस करेंगे ताकि मास्क का पाथ यहाँ पे रिवील होगा। इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और जो दूसरा फुटेज है हमारा जिसको हमने डुप्लीकेट किया उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मास्क को आपको क्या कर देना है, इन्वर्टेड कर देना है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा लोअर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपर, ठीक। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका लेबल मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि भाई ये मेरा ट्रांजिशन वाला ऑप्शन है। अब मुझे क्या करना है भाई, जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है तो उनका मुझे ट्रांजिशन जनरेट करना है, मतलब उनको स्प्लिट करना है मुझे यहाँ से। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये अपर वाले लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका पोजिशन हम ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको की दे देंगे। सेम चीज हम लोअर वाले को भी ओपन करते हैं, इसकी भी पोजिशन को हम यहाँ पे की दे देते हैं। चलते हैं हम लास्ट वाले मतलब सेकेंड फ्रेम की एंड तक और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। अब इस वाली जगह पे मतलब जो हमने सेकंड की अप्लाई किया है दोनों लेयर के ऊपर, वहां पे हमें क्या करना है, पोजीशन का वैल्यू चेंज करना है। तो जो अपर वाला लेयर है उसका पोजीशन का वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं जो 0 0, दोनों जगह पे 0 0, मतलब वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ट्रांजिशन से बाहर चला जाएगा, मतलब स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, हमारी कंपोजिशन से बाहर। सेम चीज अभी हमारा लोअर वाला है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो पोजीशन का वैल्यू उसको सीधा सीधा मैं डबल करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी रहेगा उसको वैल्यू के डबल कर दो, ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। तो ये मेरा रहेगा 1920 और ये मेरा बनेगा 1080। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन जो होता है या कंपोजिशन जो होता है उसमें आफ्टर इफेक्ट कैलकुलेशन कैसे करता है ग्राफ को, कि भाई यहाँ पे 00 वैल्यू है आपकी और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम कंपोजिशन का साइज है 1920 1080, ये आपका मैक्सिमम साइज रहेगा। तो जो साइज का आप कंपोजिशन यूज करते हो, सपोज आपने 720 पे यूज किया तो यहाँ पे आपका होगा 1280 720। तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं भाई, इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार और F9 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ को इस हिसाब से कुछ एडिट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, बीच में एक हल्का सा ये क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बीच में क्या करना है कि भाई होल्ड लाना है, तो कहां पे होल्ड लाना है वो आपको डिसाइड करना है कि भाई यहां पे लाना है एग्जैक्टली किस जगह पे आपको। तो मुझे एग्जैक्टली यहां पे लाना है, तो मैं क्या करता हूं, चलता हूं ग्राफ एडिटर के अंदर, दोनों को ये लेयर को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मेरा ग्राफ जनरेट हुआ है। तो मैं जी दबा के पेन टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहीं पे मैं की दे दूंगा तो एक नया की जनरेट हो जाएगा। अगर मैं बाहर जाके दिखाऊं आपको तो देखो बीच में एक नया की जनरेट हो गया है। अब क्या करेंगे भाई, मूव टूल वापस सिलेक्ट करते और इस टेंजेंट को ड्रैग करके कुछ इस हिसाब से नीचे लेके आ जाएंगे, सीधा सीधा बिल्कुल नीचे लेके आना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया नीचे। सेम चीज क्या करेंगे, अभी वापस ये वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे भी क्या कर देंगे, पेन टूल सिलेक्ट करके यहां पे भी एक की जनरेट कर देंगे और वापस मूव टूल सिलेक्ट करके क्या करेंगे, इस टेंजेंट को नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो अब क्या होगा, बीच में एक हल्का सा होल्ड जनरेट होगा, यहां से जाएगा, यहां पे कुछ रुकेगा और फिर स्टार्ट होगा, बट मुझे वहां पे थोड़ा ज्यादा होल्ड चाहिए। तो वापस मैं दोनों प्रॉपर्टीज को यहां पे सिलेक्ट करता हूं और मूव टूल सिलेक्ट रखता हूं और बीच वाले टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसको ड्रैग करते हैं इस तरफ थोड़ा। सेम चीज यहां पे सिलेक्ट करेंगे और इसको भी क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे इस तरफ। तो दोनों का देख लो भाई हो चुका है, दोनों का सेम ग्राफ, हाँ दोनों का सेम ग्राफ जनरेट हो चुका है। तो क्या होगा, जब भी ट्रांजिशन यहां पे पहुंचेंगे दोनों शेप थोड़ी देर के लिए होल्ड होंगे फिर गायब होंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है बहुत ही बेटर तरीके से। अब मुझे क्या करना है, एक बीच में इंट्रो जनरेट करना है, जो हमारा स्प्लिट ट्रांजिशन है वहां पे मुझे टाइटल इंट्रो जनरेट करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आप इसको स्मार्ट वे पे यूज कर सकते हो अपने एनिमेशन इंट्रोज वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ SPLIT। तो अब गाइज हमें एनिमेट करना है हमारा टाइटल,
ट्रांजिशन ड्रॉ को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ और उसको यहाँ पे चलते हैं कैरेक्टर पैनल के अंदर, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फिल चाहिए। तो मैं स्ट्रोक को हटा देता हूँ, ऑटोमेटिकली फिल अप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको एनिमेट करेंगे। और दूसरा चीज आप देख लो, मैंने क्या किया, मेरे टेक्स्ट लेयर को यहाँ से ट्रिम कर दिया है, क्योंकि ये एनिमेट कब होना चाहिए, मेरा टाइटल जब मेरा ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे मेरा टाइटल इंट्रो भी होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अंदर चलते हैं टेक्स्ट लेयर के अंदर, एनिमेट में जाएंगे और मैं यहाँ पे ऑपेसिटी अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब ऑपेसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ गाइस, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि भाई स्टार्टिंग में ये स्प्लिट वाला जो फिल वाला लेयर है वो पहले रिवील होना चाहिए, पूरा का पूरा स्टार्टिंग में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पे की दे देंगे और ऑलमोस्ट चलते हैं दो सेकंड के ऊपर और 5 फ्रेम और आगे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसकी वैल्यू 100 कर दूंगा, तो ये कुछ हिसाब से गायब होते हुए दिखेगा। तो भाई ये हमारा यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसका जो एनिमेटर जनरेट हुआ है हमारा, इसको यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी और इस वाले लेयर पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे हमें कुछ उल्टा चाहिए, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 100, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, आपका एक एस फील वाला गायब होगा, तो वहां पे ये वाला रिवील हो रहा है अपना स्ट्रोक वाला टेक्स्ट। तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो चुका है। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, स्टार्ट का वैल्यू यहाँ पे 100 हो गया जो लास्ट वाली की है, और पहली वाली की पे 0, जबकि ऊपर वाले में उल्टा था, और ऊपर वाले में एंड का वैल्यू 0 था, यहाँ पे एंड का वैल्यू 100 रहेगा। अब दोनों लेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं की फ्रेम्स को, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं हम ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, पिक जो है मतलब मेरा जो स्पीड रहेगा वो सेंटर में रहेगा, तो हमने कुछ इस हिसाब से क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एडिट कर दिया है। तो ये भी हमारा टाइटल का यहाँ पे पोर्शन रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो बेटर तरीके से यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जनरेट हो रहा है। अब इसके साथ एक और छोटा सा टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट टूल मेरा सिलेक्टेड, और मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ ट्रांजिशन। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे थोड़ा पोजीशन सेट कर लेते हैं इसका इस जगह पे, तो हाँ भाई ये बेटर तरीके से हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर करना क्या है, पहला तो एक बार देख लो एंकर पॉइंट सेंटर है, हाँ ठीक है। चलते हैं टेक्स्ट के यहाँ पे एनिमेटर के अंदर, एनिमेट में जाएंगे और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग को चूज करने के बाद क्या करेंगे भाई, सेम टाइम पे इसका भी एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर की फ्रेम पे आ जाएंगे, ट्रैकिंग अमाउंट जो है उसका मैं वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूंगा कुछ इस हिसाब से, और चलते हैं यहाँ पे जो एग्जैक्टली ये फ्रेम है हमारा जहाँ पे इसका एनिमेशन खत्म हो रहा है हमारे स्पीड वाले टैक्स का, वहीं पे क्या करना है, इसका भी एनिमेशन हमें खत्म करना है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 0 अप्लाई कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और सेम काइंड ऑफ ग्राफ हम अप्लाई करेंगे जो हमने हमारे स्प्लिट वाले मेन टाइटल के लिए यूज किया था। तो सेंटर में हम क्या लाएंगे, यहाँ पे पिक लेके आएंगे, तो सेंटर में सारा का सारा स्पीड में यहाँ पे होगा जनरेट। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा चीज और करना है। पहला काम तो ये करना है कि जो हमारे तीनों की तीनों टेक्स्ट लेयर हैं उसको हमें लेके आना है इन वाली फुटेज के नीचे। बराबर कहां पे लेके आएंगे, ये जो हमारा ट्रांजिशन वाले दोनों फुटेज है उसके नीचे हम लेके रखेंगे। तो यहां पे क्या होगा, इन बिटवीन में ये ऊपर की तरफ रहेंगे और टेक्स्ट हमारे नीचे की तरफ रिवील होते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। उसके अलावा एक छोटा सा और काम करना है, हम क्या करेंगे, इन दोनों फुटेज को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं इफेक्ट के अंदर, पर्सपेक्टिव में जाएंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद क्या करना है, पहले ये वाला लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका वैल्यू हम कर देंगे 180 एक बार अप्लाई करते हैं, और उसका थोड़ा स्पेस बढ़ा के देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये किस तरफ जा रहा है। हाँ 180 यहाँ पे नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0। तो देख लो ये यहाँ पे शेडो यहाँ पे जनरेट करेगा, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एक शेडो क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। तो हमें बिल्कुल वही चाहिए था, बट इतना ज्यादा हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेके आते हैं और इसका सॉफ्टनेस थोड़ा हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्टनेस बढ़ा दिया है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइस, और ये वाला जो लेयर था उसके अंदर जो थी इसको हम क्या कर देंगे, इफेक्ट को डिलीट करेंगे और कॉपी वाला यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एंगल आपको चेंज कर देना है 0 की जगह पे 180। तो अब दोनों जगह पे क्या हो चुका है, ड्रॉप शेडो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एक छोटा सा चेंज करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं न्यू में जा रहा हूँ, नल ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूं, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो तीनों टेक्स्ट लेयर है उनको सिलेक्ट करता हूँ, नल के साथ पैरेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे उसका साइज थोड़ा छोटा करना था, यहाँ सेंटर पे आ जाता हूँ सबसे पहले, और नल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्केल प्रेस करते हैं, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस इसका पोजिशन में हल्का सा शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा, ठीक है। अब नल को हाइड कर लेते हैं यहाँ पे, अब फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो अब ये बेटर आउटपुट हमारे लिए दिख रहा है, हमारा स्प्लिट ट्रांजिशन
टाइटल इंटर बहुत ही बेटर तरीके से जनरेट हुआ है, और जिसके लिए हमने मास्क को यूज किया है, ड्रॉप शेडो यूज किया है यहाँ पे, प्लस हमने टेक्स्ट एनिमेटर भी यूज किया है हमारा टाइटल इंटर जनरेट करने के लिए। सो आई होप इस ट्यूटोरियल में अच्छी खासी चीजें आपको सीखने को मिली होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और वेरियस वे पे इसको यूज करना, आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। गुड बाय।